टुडे वी विल डिस्कस मैरीगोल्ड बुक फोर, यानी क्लास फोर्थ के लिए बुक है मैरीगोल्ड। क्लास फोर्थ का लेसन करेंगे आज हम। पोयम है ये डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। डार्क मतलब अंधेरे से, अफ्रेड मतलब डरना, डू नॉट नहीं, हमें अंधेरे से नहीं डरना चाहिए। यूनिट फाइव का लेसन नंबर नाइन है ये, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन, Do not be afraid of the dark, little one. अंधेरे से डरो मत, little one छोटे से बच्चे के लिए यह पोयम है कि अंधेरे से मत डरो। The earth must rest when the day is done. Earth मतलब धरती, must rest आराम करती है when the day, जब दिन डन हो जाता है, दिन खत्म हो जाता है, तो अब धरती क्या करती है, आराम करती है। The sun must be harsh but moonlight never. सन जो है मस्ट हो सकता है, हर्ष मतलब नीरस भी, कठोर भी, दुख देने वाला भी, बट मून लाइट लेकिन चंद्रमा की रोशनी नेवर कभी भी नहीं। एंड दो स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर, और जो वो स्टार्स है यानी तारे हैं, विल बी शाइनिंग चमकते रहते हैं फॉर एवर हमेशा, एंड एवर हमेशा के लिए मतलब हमेशा और हमेशा के लिए चमकते रहते हैं तारे। बी फ्रेंड्स विद द नाइट, There is nothing to fear. Be friends, दोस्ती कर लो with the night, रात के साथ। There is nothing to fear. Fear, fear मतलब डरने की, nothing कोई बात नहीं है, there यहाँ इस बात से डरने की कोई बात नहीं है कि हम रात के साथ क्या कर सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं। Just let your thoughts travel to friends far and near. Just let your thoughts, अपनी thoughts सोचो, अपने बारे में सोचो, किसके बारे में सोचो, फ्रेंड्स टू ट्रेवल, जो यात्रा करते हैं दोस्त, फार एंड नियर दूर और पास, जो मित्र हमारे दूर और रिश्तेदार जो हमारे दूर और पास रहते हैं, हमें सिर्फ उनके बारे में सोचना चाहिए। बाय डे दिन में, इट डज सीम्स डेट अवर ट्रबल्स वॉन्ट चीज, दिन में तो सीम्स होता है प्रतीत होना, कि दिन तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अवर हमारी ट्रबल्स मतलब परेशानियां, वो नॉट चीज, चीज मतलब खत्म होने वाली, आराम देने वाली, कि दिन में तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी जो परेशानियां हैं वो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। बट एट नाइट, लेकिन रात में क्या होता है, लेट एट नाइट, रात आधी रात बीत जाने के बाद, द वर्ल्ड इज एट पीस, जो संसार है वो क्या हो जाता है, पीस मतलब शांत हो जाता है। देखो हम दिन में सब चाहे वो बड़े हैं चाहे छोटे हैं, सब वर्किंग करते हैं ना, सबको ये लगता है अब ये काम करना है, अब ये काम करना है, तो हमारी परेशानियां जो है वो कभी भी खत्म नहीं होती, कब, दिन में। लेकिन नाइट में जब बहुत ज्यादा रात हो जाती है, लेट एट नाइट हो जाती है, तो सारा संसार क्या होता है, सो जाता है, यानी वर्ल्ड क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन दिन में सब जगह परेशानियां ही परेशानियां होती है। तो ये थी इस पोएम की हिंदी। न्यू वर्ड्स हैं, अफ्रेड मतलब डरा हुआ, डार्क मतलब अंधेरा, रेस्ट मतलब आराम, हर्ष मतलब नीरस या कठोर, फॉर एवर मतलब हमेशा, ट्रबल्स मतलब कष्ट या परेशानियां, चीज मतलब खत्म ना होने वाली, खत्म ना होना। तो ये क्या थे हमारे न्यू वर्ड्स और इस लेसन पोएम की हिंदी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेसन के साथ। गुड बाय।